इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी हम जो है बनारस में, और जैसे कि आप देख सकते हैं बनारस में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। और आज जो हम जगह जाने लगे वो है चुनार किला। तो चलिए तो जर्नी है शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में आगे। तो गाइस अभी हम जिस घाट पे है उस घाट का नाम है चुनार घाट, और ये घाट जो है मिर्ज़ापुर और बनारस को जो है कनेक्ट करता है। और पीछे जो आप देख सकते हैं जो है गंगा मैया बह रही है। तो गाइस जो आप वो रॉकी पार्ट देख रहे हैं वो चुनार फोर्ट है, और जो कि फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है। तो चलिए जो हम पास जाते हैं और आपको जो है फोर्ट को क्लोज से दिखाते हैं। पार्किंग एरिया है चुनार फोर्ट का, और इसके लिए कोई जो है आपको प्राइस पे नहीं करता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्किंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये चुनार फोर्ट का गेट है, और आगे जो आपको लोग दिख रहे हैं वो पुलिस के सामने जो है अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जो है फाइनली चुनार फोर्ट पहुंच चुके, और जो आपने पीछे इन्फॉर्मेशन देखा उसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और चलिए जो आप फोर्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस आप जो ये मैप देख रहे हैं चुनार फोर्ट का मैप है, और जो किला है वो काफ़ी बड़ा है, और माना जाता है कि जो इस किले का हिस्ट्री है वो 5000 वर्षों पुराना है। तो काफ़ी पुराना किला है ये, और इसके पीछे जो बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो चलिए जो आपको हम कहानियाँ बताते हैं। तो दोस्तों चुनार का किला भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। ये बनारस से लगभग 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। किले का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो गंगा नदी के चट्टानी तट पर टिका हुआ है। चुनारगढ़ किले का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किला लगभग 5000 वर्षों के इतिहास का गवाह है। जिस पहाड़ी पर यह किला स्थित है उस पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसलिए इसका एक नाम चरात्रिगढ़ भी है। इस किले का इतिहास जो है महाभारत काल से भी प्राचीन है। महाभारत काल के बाद का समय सम्राट विक्रमादित्य का समय माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भृत्यहरि राजपाट का त्याग करके सन्यासी हो गए। भृत्यहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। भृत्यहरि गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लेने के बाद चुनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे। उस समय इस स्थान पर घना जंगल था, और जंगल में काफ़ी हिंसक जानवर रहते थे, इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने योगीराज भृत्यहरि की रक्षा के लिए इस स्थान पर जो है किले का निर्माण कराया। योगीराज भृत्यहरि इस किले में समाधिस्थ हुए। आज भी इस किले में उनकी समाधि है। ऐसा माना जाता है कि योगीराज भृत्यहरि की आत्मा आज भी पर्वत पर विराजमान है। चुनारगढ़ की धरती पर अनेक तपस्वियों ने तपस्या की है। यह किला योगीराज भृत्यहरि की साधना, भगवान बुद्ध के चतुर्मास, नैना योगिनी के योग का गवाह है। नैना योगिनी के कारण इस किले का नाम नैनागढ़ भी है। चुनारगढ़ किले ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। समय के साथ तत्कालीन शासकों ने इस पहाड़ी पर अलग अलग शैलियों में समय के आवश्यकता अनुसार निर्माण कराया। इस किले पे कुल मिलाकर 17 राजाओं ने राज किया है, जिनमें से संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रम आदित्य, हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर सम्राट अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, इब्राहिम लोदी और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग्स जैसे शासकों ने यहाँ शासन किया है। तो चलिए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये चुनार किले का गेट है, और यहाँ से जो है मुख्य द्वार है, और यहाँ से हम अंदर जाते हैं। और इसका जो निर्माण वो चुनार की मिट्टी से हुआ है, और ये जो गेट है वो काफ़ी बड़ा गेट है। आप जो है स्ट्रेट लाइंस देख रहे हैं, ये लाइंस इसलिए बनाए गए थे ताकि जो कैमल्स थे, हाथी थे, और
जो बड़े बड़े एनिमल्स थे जो उनके जो है पैर यहाँ से स्लिप ना हो, इसलिए जो है फाइन लाइन बनाए गए। तो दोस्तों सामने आप जो ये नदी देख रहे हैं, ये गंगा मैया है और पुराणों के अनुसार चुनार का पूरा नाम चंद्रारती था, क्योंकि भगवान विष्णु ने महान राजा बाली के वंश में अपना वामन अवतार में पहला कदम यहीं रखा था। और माना जाता है कि जो गंगा मैया है यहीं से जो है विष्णु जी के चरण स्पर्श करके बनारस की ओर उत्तर वाहिनी हो जाती है, और यदि अगर ये किला न होता तो गंगा मैया जो है बिहार या बंगाल की तरफ मुड़ जाती और तब जो है काशी विश्वनाथ और बनारस का भी मान न होता। स्थल है यहाँ राजा भर्तृहरि महाराज थे। राजा भर्तृहरि महाराज पर एक खुद एक राजा थे और ये अपनी राटपा छोड़े योगी हो गए। तो योगी हो गए तो उनके यहाँ जीवन समाधि है। हमारी हमको समाधि दिखते हैं। ये भर्तृहरि महाराज मतलब ये बाबा गोरखनाथ महाराज हैं, गोरखपुरी में हैं। ये उनके शिष्य बन गए थे और ये अपनी मतलब राटपाट छोड़े और अब भर्तृहरि महाराज वो जयंत राजा थे। वो जयंत राजा थे तो वहाँ अपनी राटपाट छोड़ने बाद ये योगी हो गए। तो योगी हो गए तो यहाँ तप करने आए तो उसमें ये फोर्ट नहीं था, मतलब ये पूरी पहाड़ था उसमें। मतलब इस समय यहाँ भगवान थे, यहाँ चढ़न पड़ा था विष्णु चढ़न। और उसमें पीछे गंगा नदी देखें, उत्तरवाणी गंगा। तो भर्तृहरि महाराज सोचे अगर यहाँ सिद्धि करेंगे तो यहाँ मन थे, आत्मा थे, काफ़ी यहाँ शांति जगह मिलेगी। तो खुद एक गुफा टाइप हनुमाए अंदर बैठ गए और अंदर बैठने बाद फिर ऊपर से बोले समाधि पर से बंद करवा दीजिए। तब उनके यहाँ जीवन समाधि है। ये जीवन समाधि मतलब अपनी इच्छा से ले। और इनकी समाधि लेने बाद समाधि में बैठे कुछ दिन बाद इनके भाई आए विक्रमादित्य आए। तो विक्रमादित्य आए तो बोले भैया अब घर चलिए राटपा दिखने। तो बोले भैया हमसे राटपा से कोई मतलब नहीं है, अगर हम घर जाएंगे तो मेरी समाधि से खंड हो जाएगा। खंड मतलब ऐसे कोई बाल बच्चा आएगा, कोई सिद्धार आएगा तो मेरी समाधि से कोई महत्व नहीं रहेगा। तब इनके नाम से विक्रमादित्य चाउर से किले थे बाउंड्री करवा दिए, सुरक्षा घेरा और काफ़ी यहाँ एक सुंदर यहाँ एक मंदिर बनवाए। तो आप शासन नाम सुने, औरंगजेब नाम सुने हैं। औरंगजेब एक खासियत, कहीं मंदिर हुआ चाहे मस्जिद हुआ वह हर जगह पढ़वाता था, मतलब वो शक्ति मांगता था। तो इस समाधि पर शायद तो औरंगजेब का अगर कोई समाधि से अगर कोई आवाज़ निकलेगा तो हम मानेंगे इस समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। अगर आवाज़ नहीं निकलेगा तो यहाँ एक तोड़ से मुसलमान थे हम एक मस्जिद बलवा देंगे। तो पूरी मंदिर भाग था, मंदिर भाग पूरा गिरवा दिया। तो इस समाधि से तोड़ने दे वो आप छेद देख रहे छोटा सामने वाला, तो वहाँ से वो घन मारा और वहाँ से वो घन मारते मंत्र तो काले काले भोरे होते हैं सब सैनिक पर हावी हो गए बिन्ने काटने। तो औरंगजेब का गरम तेल डालिए, अगर आप गरम तेल डालेंगे सब भोरे कन्ना रहेंगे, सब अंदर अंदर सब मर जाएंगे। वो गरम तेल छोड़ते अंतर भोरे आओ चार दुगने बेसी हो गए और देह तो भक्का हो गया, मतलब हम तेल छोड़ते जा रहे हैं भोरे संख्या बेसी होती जा रही है। तब औरंगजेब ये समझ गया कि कोई समाधि में कोई शक्ति है, कोई पावर है। तब आखिरी में चार खम्भे हैं पत्थर थे, ये औरंगजेब खुद बलवाया पूरा छत पूरा। और ये फारसी में लिख दिया औरंगजेब, ये फारसी आप देख रहे हैं, फारसी में लिखता है चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे सिख चाहे ईसाई चाहे कोई धर्म आएगा तो इस समाधि से इज्जत करेगा और इस समाधि से कोई क्षति नहीं पहुँचाएगा। और एक समाधि में आओ खासियत है, अगर यहाँ कोई आप मन्नत मांगे, अगर आपसे कोई मन्नत पूरा हो गया तो आप खुशी से और प्रेम से आप कच्चा तेल छोड़ेंगे सरसों तेल तो कुंड भर जाएगा। अगर मन्नत थोड़ा से छल है कपट है तो आप टीना टीना आप तेल छोड़ते जाइए वो कुंड कभी नहीं भरेगा। सोनवा मंडप का निर्माण नेपाल के राजा संदेव ने अपनी बेटी सोनवा के लिए करवाया था। वह सुनहरे बालों वाली एक सुंदर राजकुमारी थी। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि वह एक जादूगर थी और अपने जादू से जो है इंसानों को तोते में बदल देती थी। राजा अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करवाना चाहता था जो उसे पराजित करने के लिए काफ़ी बहादुर हो। इस प्रक्रिया में जो है 52 राजाओं ने अपने सिर खो दिए और उनके सिर किले के पास 52 खंभों पर लटका दिए। लेकिन खोज एक दिन तक जारी रही। पास के एक गाँव के राजा ने सोनवा को महोबा में अपहरण कर लिया। बाद में उन्होंने शादी कर ली और
सिंधोरा में खुशी से रहे। मंडप ने न कभी विवाह समारोह नहीं देखा, लेकिन ये अभी भी प्रेम के खातिर रक्तपात की यमशा कहानियों की गवाही के रूप में खड़ा है। ये मॉन्यूमेंट देख रहे हैं उसका नाम है सोनवा मंडप, और इसके पीछे की जो कहानी है वो पंडित जी बताएंगे, तो चलिए पंडित जी से मुलाकात करते हैं। ये आप सामने आप देखे हैं, बोलते हैं सोनवा मंडप बोलते हैं। सोनवा मंडप में तो एक लड़की थी सोनवा रानी, तो उसमें इनकी लड़की बहुत छोटी थी, तो उनके नाम से मंडप बुलाए, और इनके लड़की नाम था सोनवा रानी। और इनके एक सत था, मतलब लड़की बड़ी होगी शादी करने लायक होगी, तो इनके नाम देते एक सोमवार से शादी। हम सिंपल हम लोग शादी करते हैं, राजा जमाने में फिर सोमवार होता था, तो सोमवार में खास से कोई बड़ा वीर है शक्तिशाली है, तो मतलब हमें लड़की से आप शादी कर सकते हैं। तो इनके पास एक अमर ढोल था, वो ढोल तो इससे खास से अगर ढोल आप बजा देंगे, अगर आपके सैनिक मर गए वो ढोल बजाते हैं तो सब सैनिक जिंदा हो जाएंगे। तो इनके पास घमंड हो गया, घमंड मतलब इनसे कोई पृथ्वी कोई बड़ा वीर कोई नहीं है। तो आप नाम सुने आलाउद्दीन, नाम सुने हैं आला, मतलब मैया देवी पुजारी थे, तो किले पर आए खुद यहाँ युद्ध करें, और युद्ध करने उठाते यहाँ से दे गए। तो ये मंडप उबाल के मतलब ये मंडप कोई चाहेगा शादी करनी चाहेगा, तो ये मंडप में शादी यहाँ सफल नहीं हो सकता है। और ये छोटे छोटे होल आप देखिए हर क्षेत्र में, पहले मैं डायमंड लगा था हीरा लगा था, ये अंग्रेज शासन चला तो अंग्रेज शासन काल में इस सब पूरी डायमंड निकालते यहाँ से ले गए, पूरा निकालते पूरे डायमंड। थोड़ा सा ज़मीन थोड़ा सा आप ऊँचा दिख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड सुरंग है, ये सुरंग जाएगा आप तो यहाँ से नौगढ़ विजयगढ़ और राजगढ़। आप एक सीरियल देखे चंकांता, तो चंकांता में दिखाया है नौगढ़ विजयगढ़ राजगढ़, तो ये 3 फुट से मिलाते हैं। ये अंग्रेज शासन चला, अंग्रेज बोले तो कुछ खजाना हीरा मोती है, तो अंग्रेज का ये सुरंग थे पूरा बंद करवा दो, अंग्रेज दे अंदर लौट आए नहीं, तो अंग्रेज का ये सुरंग थे पूरा ब्लॉक कर, इस अंग्रेज शासन काल में इस सुरंग थे पूरा ढकवा दिए अंग्रेज लोग। राजा लोग जमाने पर भूल भैया सुरंग है, तो राजा महाराजा होते उनके पास नस्से होते नेप होता था, वो नेप तो सारे अंडरग्राउंड में जाते थे। तो अंग्रेज आए तो बोले कुछ अंदर जाइए पता लगे क्या चीज़ है, वो देह अंदर खोता मतलब खो गया अंदर, तो अंग्रेज के सुरंग से पूरा लॉक करवा दीजिए। तो अंग्रेज सोचे अंदर कुछ खजाना हो सकता है, वो देह लौट आए तो अंग्रेज के पूरा सुरंग से ढकवा दीजिए। और ये पीछे हिस्सा आप देख रहे पत्थर वाला, ये राजा जमाने पर सैनिक आवास था पर बाबर शासन काल में सैनिक आवास था, फिर अंग्रेज शासन चला तो ईटा जोड़ते बाद में जेल बुला दिए सेंटे जेल लगते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बोलते हैं काल कोठी बोलते हैं, ये काल कोठी बोलते हैं मतलब सहसा सूरी बुलवाए थे 1530 में, सहसा सूरी से बुलाए थे मतलब इसे फोर्ट पर लड़ाई होता था एक दोता था, एकदम कोई राजा मतलब हार गए तो उनके अंदर ये बंद कर देंगे, अब बंद करने बाद उनके अंदर बंद कर उनके अंदर यहाँ सजा देंगे, यहाँ से अंदर यहाँ से खाना थमाएंगे भोजन देंगे, यहाँ से 12 फुट ऊँचा खाना थमा देंगे, और खाना थमाने के बाद ऊपर से गेट बंद कर देंगे। और ये छोटे छोटे होल आप दिख रहे हैं, ये बोला है रोशनदान, रोशनदान में तो ऐसे हवा नहीं मिलेगा तो लोग अंदर मर जाएंगे, तो यहाँ से अंदर लाइट जाता था हवा जाते हैं, मतलब हाल में शीशा भी हाल में लगा है पर शीशा नहीं लगा था। और वहाँ से लोग कैदी लोग अंदर जाते थे, वहाँ से बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद उनके अंदर यहाँ सजा देंगे। और ये आप जेल देख रहे हैं मतलब सेंटे जेल है, सुधार जेल, सुधार जेल मतलब इसे यहाँ 15 साल थे 16 साल 18 साल बच्चे होते थे अंग्रेज शासन काल में, तो उनके अंदर यहाँ पूरा सजा मिलता था सुधार जेल। और ये पीछे हिस्सा है पत्थर वाला, ये राजा लोग जमाने पर एक सैनिक आवास था, फिर बाद में अंग्रेज शासन चला तो ईटा जोड़ते बाद में ये जेल बना दिया। अभी हम आपको कुआं दिखाते हैं जो कि विक्रमादित्य जी ने बनाया था अपनी बीवी के लिए, तो चलिए आपको कुआं दिखाते हैं। कहा जाता है कि ये जो कुआं है वो विक्रमादित्य जी ने अपने पत्नी के लिए बनाया था, और उनकी जो पत्नी है वो यहाँ आके स्नान करती थी, और ये करीबन 200 फीट गहरा है, और आप जो ये झरोका देख रहे हैं वहाँ जो है महिला सैनिक बैठ के उन्हें पहरा देती थी। तो गाइस जो आप रास्ता देख रहे हैं पीछे, ये वेल का रास्ता है जो कि बहुत डीप है, तो चलिए जो हम जाते हैं नीचे और वेल को आपको हम नीचे से दिखाते हैं। तो गाइज़ ये जो है वेल का नीचे वाला पोर्शन है, और जैसे कि आप वो केव जो है शेप देख सकते हैं, वहाँ जो है रानी की जो सैनिक थी वो उनका उनके ऊपर निगरानी रखती थी।
शेरशाह सूरी का दरबार। इसका निर्माण मुगल के शासन में हुआ था। दीवान ए आम और दीवान ए खास, यहाँ राजाओं का दरबार लगता था और तमाम जरूरी बातों पर चर्चा होती थी। शेरशाह ने इस किले पर दो बार शासन किया है। एक बार हुमायूं ने शेरशाह को हराकर इस किले पर कब्जा किया और दूसरी बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर इस किले पर दोबारा कब्जा किया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इस किले के काल कोठरी में बंद कर दिया था, पर तब भी हुमायूं काल कोठरी से नदी के रास्ते भागने में सफल रहा। और सामने आप जो यह झरोखा देख रहे हैं, वहाँ शेरशाह सूरी की बेगम फातिमा बेगम वहाँ बैठकर फैसला सुनती थी। और जब यहाँ फैसले होते थे तब यहाँ पर्दा भी लगता था ताकि रानी जो है सबको देख सके और उन्हें कोई ना देख सके। फांसी घर, यही वो जगह है जहाँ राजा अपराधियों को सजा देते थे। और मुगलों के जमाने में यहाँ कत्लेआम होता था और गर्दन काटकर गंगा नदी में फेंक दिया करते थे। उसके बाद ब्रिटिश के शासन में यहाँ अपराधियों और स्वतंत्र सेनानियों को फांसी दी जाती थी। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, माना जाता है कि राजा जो यहाँ से इशारा करते थे और नीचे जो मौजूद जल्लाद होता था वो स्वतंत्र सेनानियों और अपराधियों को फांसी देता था। फिलहाल तो फांसी घर जाने पर पाबंदी है क्योंकि ये बड़े बड़े जंगलों से घिर चुका है। Guys, that's it for the video. I hope you guys like the video. Make sure to give a thumbs up to the video, like, share and subscribe. See you in the next vlog soon. Till then, signing off. Jai Hind.